सरकार 1,25,00,000 रुपए का बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1,25,00,000 रुपए दे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश कहीं पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान प्रदेश को सब सुविधाएं मिलेंगी, राजस्थान प्रदेश को पूरा मिलेगा। और राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी निरंतर इस बात में प्रयास रहते हैं और लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को पैकेज दिया है, ये चुनावी पैकेज है। बिहार की जनता को समझ जाना चाहिए इस बात को कि ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, इसने जो पैसा दिया है चुनाव को देखते हुए दिया है। अगर कहीं मन में जरा सा भी दर्द होता तो राजस्थान ने 25 सांसद जीता के दिए, राजस्थान में सरकार बनी बीजेपी की। आज राजस्थान की जो स्थिति है फाइनेंशियल, उसको मजबूत करने के लिए बार बार सरकार मांग कर रही है। राजस्थान को पैसा मिलनी चाहिए था, लेकिन राजस्थान को पैसा नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चूंकि राजस्थान में अभी 3 साल कोई चुनाव नहीं है। और इस बीच में कुछ दर्शकों के ट्वीट्स हैं, वो आप तक पहुंचा देते हैं। ज्ञान रंजन झा कहते हैं कि केंद्र सरकार की मदद से रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है वो पूरा होना चाहिए, इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राजस्थान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए केंद्र को यहां पैकेज का ऐलान करना चाहिए, इससे विकास दिखेगा। एकांश खंडेलवाल का कहना है अगर बिहार की GDP स्टेटस को देखें तो बिहार देश में 4th नंबर पर है, वहीं राजस्थान 22वें नंबर पर है। तो ऐसे में राजस्थान से ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग बिहार है, तो बिहार के हालात के जिम्मेदार वहाँ के राजनीतिक ये भी। विजय सोनी का मानना है कि मोदी जी जो बोलते हैं कर्ज देश के ऊपर और कर्ज में देश डूबा है, तो अब क्यों इस कर्ज को बांटे जा रहे हैं, कहाँ से धन लाएंगे, ये चुनावी जुमला तो नहीं। और इस बीच में दो दर्शक हैं, उनसे बात करते हुए सुनील जी आपके पास आऊंगा। इंद्र ओझा जी और खालिद कुरैशी हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्र ओझा जी, जी नमस्कार। सभी मेहमानों को भी सर नमस्कार करता हूँ। सर बताए क्या कहेंगे आप? परिचार में पहले तो सुनील जी की बात पे आ रहा हूँ। सुनील जी भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को, ये प्रधानमंत्री का भाषण नहीं कि एक नेता का भाषण। तो शर्मा जी, मैं जो आपने भाषा अभी काम में ली कि ये जो रिश्वत है बिहार के लिए, तो आपको भी प्रधानमंत्री गरिमा को समझनी चाहिए, आपकी भाषा को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। आप क्या कह रहे हैं इंद्र ओझा साहब? इंद्र ओझा साहब, आपको लगता है राजस्थान को ये मदद मिलनी चाहिए बिहार जैसी? भाई साहब एक मिनट, मेरा निवेदन सुनील जी से पूरा करूँ। सुनील जी, जो आप अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी करते हो, तो आपकी तो बहुत लंबी सरकार है ये देश के अंदर, आपने आप क्यों नहीं कर पाई ये सब? इंद्र ओझा साहब, वक्त की कमी रहेगी, आपको लगता है कि क्या मदद बिहार जैसी राजस्थान को मिलनी चाहिए? राजस्थान को पैकेज मिलना चाहिए, पर इसमें कोई शक नहीं है, मिलेगा, जरूर मिलेगा राजस्थान को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद कुरैशी साहब आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर राजस्थान के साथ साथ मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश को भी विशेष पैकेज दे सरकार। दूसरे मोदी साहब का भाषण जो था कल, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे एक बात और कहना चाहूंगा सरकार के लिए, मेन बात है जो देश की मतलब भ्रष्टाचार और जी विकास और रोजगार, अगर सरकार इस पर पार पा लेती है तो सरकार भाई भाजपा की सरकार कम से कम 20-25 साल कहीं नहीं जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल सीधा सा है, राजस्थान पर रहमत कब तक, क्योंकि छोटी छोटी मांगे हैं जिनको अगर पूरा नहीं किया गया तो फिर बड़ी मांगों का कैसे इंतजार किया जाए, और सवाल राजस्थान को बिल्डअप करने का भी है। ऐसे हालात में क्या मुद्दे हो सकते हैं? सुनील जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जयसिंह जी आपके पास। देखिए मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ, इस पूरे की पूरा जो उन्होंने जो किया है, जो कहा है मोदी जी ने, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। ये इलेक्शन जुमला है, उन्हें पता है चुनाव नजदीक है, और क्योंकि चुनाव नजदीक है तो कैसे उन लोगों के सामने एक लॉलीपॉप लटकाई जाए, कैसे उन लोगों को कंफ्यूज किया जाए, वो लगातार ये काम करते रहे। अगर वास्तव में कुछ भी सिंपैथी होती तो राजस्थान जैसे राज्य ने जिन्हें उन्हें 25 MP दिए, 25 के 25 दिए, उसके बारे में उनकी कहीं कोई प्रायोरिटी में नहीं, क्योंकि कारण उसका एक है वो 25 MP। चलिए मैं इसको सरकार इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ। इस पूरी मांग को मैं 4 टुकड़ों में बांट देता हूँ। सुनील जी इस पूरी मांग को 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा पावर है, तीसरा वाटर है, और चौथा है
उसको एजुकेशन में हम ले लेते हैं, इन चार के तर्ज पर हम देखते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ को भी नापते हैं और इसी तर्ज पर विकास की परिकल्पना भी करते हैं और आमतौर पर इन्हीं से जुड़ी मांगे राजस्थान की शुरुआत से केंद्र के साथ रही हैं। तो सबसे पहले मैं पावर सेक्टर को लेना चाहूंगा, पावर सेक्टर को लेकर आपकी क्या राय है? निसंदेह सच्ची बात तो ये है कि आप कितने इंसर्जेंट राजस्थान कर लें, कितने रिसर्जेंट राजस्थान कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक आप पावर को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। मगर ये सरकार वास्तव में गाफिल है। सही बात करते वैष्णव साहब की, अभी तो उनके ये तय होना है कि इस मुख्यमंत्री को रहना भी है नहीं रहना। कुछ कभी ये अफवाह फैलती है कि इस्तीफा हो रहा है, कभी पता लगता है ये 120 एमएलए को लेकर धमकी दे रहे हैं अपने आला कमान को। सच्ची बात तो ये है कि पूरे आकंठ कलह में डूबी भाजपा इनको अपनी सत्ता बचाने के लिए पावर में कोई काम नहीं हो रहा। शौकत अली साहब डीडवाना से और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से है, उनकी राय के साथ मैं आता हूँ। शौकत अली साहब, हमें तो यहाँ पीने का पानी सही है, कोर्ट पैकेज सही नहीं है और सुविधा सही है, और वो चुनाव पैकेज जो झूठा पैकेज है वो हमको नहीं चाहिए। राजस्थान को वो पैकेज चाहिए जो दिल्ली से खेत के लेके आने वाला चाहिए, और ऐसी जो चुनाव पैकेज है, जो चुनाव के अंदर पैकेज घोषणा करते हैं वो झूठी घोषणा है। चलिए शुक्रिया राजेंद्र जैन साहब। मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ सर, आप सबका नमस्कार। जी सर बताए आपकी क्या राय है? ये कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार सत्ता संगठन दोनों मजबूत है, राजस्थान के विकास के दृष्टिकोण को देखते हुए। दूसरी बात ये कि पेट्रोलियम और अन्य क्षेत्र को, खनिज को सबको देखते हैं, यहाँ पर 125 लाख करोड़ से ज्यादा जरूरत है, या तो बहुत जरूरत है। शुक्रिया आपका। कोठारी साहब, कुछ दिनों पहले डिबेट थी, कुछ महीनों पहले डिबेट थी, उस दौरान सोलर पावर को लेकर हम लोग बात कर रहे थे और आपका कहना था राजस्थान में वाइबल नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए जितनी जरूरत है, खर्चा जितना है उतना इससे आमद नहीं हो सकती, पहली बात तो ऐसे में इसको फिजिबल नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बड़ी बात रिफाइनरी, इन दोनों सेक्टर्स को लेकर मैं बात करना चाहूंगा। आपको लगता है कि ये विकास की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं अगर ठीक से काम किया जाए, और कहीं इसमें केंद्र की कोई मदद हो सकती है? नहीं, केंद्र की मदद मिले नहीं मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो समझने की बात है, जो मार्केट इकोनॉमी का जो एंगल है कि जब भी ऑयल की प्राइसेस डाउन रहती है तब तक वो किसी भी दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी को सक्सेसफुल नहीं होने देता। उसकी कॉस्ट इतनी आती है कि अल्टीमेटली आप लगा भी लोगे तो वो प्रॉफिटेबल काम नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वो रहे। और दुनिया में अभी सब जगह, हमारे ही नहीं, दुनिया में सब जगह जितने भी सोलर पावर के एरिया हैं मोस्टली जो नए प्रोजेक्ट हैं वो सब तकलीफ में हैं, और उसमें राजस्थान को अभी बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहिए ऐसा मेरा, क्योंकि अभी ये मंदी का जो दौर है तेल का, हो सकता है ये 2-5 साल 10 साल तक चले, उसके बाद क्या स्थिति है तब की बात है, लेकिन अभी उसमें नहीं बढ़ना चाहिए। जी दूसरा आपने बताया रिफाइनरी का, वो भी है कि आप झंझट में क्यों पढ़ते हो, आप प्राइवेट सेक्टर किसी को भी दे दो, सरकार काहे को उसमें उलझन में करें, वो कोई बहुत बड़ा रोजगार का साधन नहीं है। हम जैसा सोचते हैं कि रिफाइनरी से कोई हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, वो सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। नहीं, सवाल ये है कि मुनाफे का सौदा है कि नहीं, ये देखते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम पैसा लगा रहे हैं, देखिए केंद्र पैसा नहीं दे रहा। जहां कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी होती है सरकार काम करती है, उसमें मुनाफा नहीं कमा सकती, इसलिए सरकार को उससे विड्रॉ हो जाना चाहिए और वो प्राइवेट सेक्टर को जो भी देना है दे देना। सरकार को केवल हमको एक चीज है, पावर भी आप जैसे कह रहे हैं, पावर में कहूँ आपके पास में दूसरे पास स्टेट के पास में सरप्लस है वहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका महंगी बिजली है, कर्ज में डूबा राजस्थान वो है, हाँ ठीक है, उसका रास्ता आप इफिशियंसी को बढ़ाइए, वो राजस्थान की हालत खासा खराब है। एक ही सवाल ये भी है कि हमारी कितनी ढाणियां ऐसी हैं जिनको आज बिजली से जोड़ा जाना है, वो काम नहीं हो पाया, 31,000 ढाणियों में अगर बिजली और बढ़ाएंगे तो वो कर्जा और बढ़ेगा। जी तो सबसे बड़ा तो क्या है कि पहले एफिशिएंसी का, प्रोडक्टिविटी का लेवल है उसकी पे बात होनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो एक साल नहीं भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक साल पहले आपको नहीं लगता ये सवाल तब उठता है जब एक पार्टी वादा करके आती है और फिर उस पर काम नहीं करती? हाँ बिल्कुल उठता है, बिल्कुल उठता है। मंगल साहब आपसे जवाब चाहेंगे, 31,000 ढाणियों के विद्युतीकरण की बात आपने कही थी, आपने कहा था रिफाइनरी लगाकर रहेंगे, कांग्रेस इसमें नाकाम रही है, पैसा हम लेकर आएंगे केंद्र से, हर जगह आप नाकाम है अभी तक, क्या काम हुआ है, अगर हुआ तो भी जानना चाहिए। पावर सेक्टर का जहां तक सवाल है, इसमें केंद्र की भरपूर मदद चल रही है और ऊर्जा मंत्री राजस्थान को एक विशेष राज्य के रूप में की बात कीजिए, 31,000 ढाणियों के विद्युतीकरण की बात कीजिए, विद्युतीकरण में नई ट्रांसमिशन लाइने का काम चालू हो चुका है जिससे कि गांव गांव तक ये पहुंच रही है, ढाणियों में भी पहुंचेगी।
अभी कुछ काम चल रहा है। उन 5 चुनिंदा मांगों में है जो अरुण जेटली से इस साल के बजट को तैयार करने से पहले वसुंधरा राजे मिली थी, उस दौरान उन्होंने रखी थी। तो इसलिए ये सवाल कर, पावर सेक्टर की जो मांग है उस पे काम चालू हो चुका है, केंद्र की मदद भी चालू हो चुकी है, 10-12 हजार करोड़ रुपए आ भी चुके हैं केंद्र से, फाइलों में चालू हो गया। जब तक इंजीनियर, दूसरी बात इसमें बिजली कंपनियों की सबसे बड़ा जो वो लॉस का, जो बड़े लॉस का कारण है वो पिछले कई सालों का अक्यूमुलेटेड है, वो कोई 2 साल में पैदा नहीं हो गया, पिछले सालों सरकारों की इनएफिशिएंसी जो है उसमें भी अभी सवाल वही है। ठीक है, रोकना और इफिशियंसी को बढ़ाना, ये उस पे काम चल रहा है। चलिए जाकिर साहब बीकानेर से आप क्या कहेंगे? सर मेरा कहना है कि ये जो 1.25 लाख करोड़ बिहार के लिए पास किए हैं तो एक खर्च कब तक होगा? सुन जी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अपन 2 साल बाद में आज मिलेंगे, 2 साल बाद में आपसे यही सवाल फिर पूछूंगा, जब तक नहीं खर्च होंगे मेरा दावा है ये। और दूसरा बात है, अभी प्रधानमंत्री यूएई जाके वहाँ रेगिस्तान हद से ज्यादा था और है, और हिंदुस्तान से लोग वहाँ कमाने के लिए जा रहे हैं, क्या हमारी सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, मोदी की सरकार के ऊपर नहीं है, क्या हमारे पास इतना ही मतलब पैसा नहीं है, इतनी मतलब विदेशी? चलिए ये आपका सवाल है, इसको मैं आगे लूंगा चर्चा में। जेके वैष्णव साहब आपकी राय जानना चाहूंगा फिलहाल पावर सेक्टर को लेकर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब तक ये AEN का, JEN का, XEN और उससे ऊपर के अधिकारियों का ट्रांसफर जब तक पैसा लेके करते रहेंगे, जब तक इनके सारे घोटालों के ऊपर पर्दा डालते रहेंगे, जब तक ये बिजली की छींचत को कम नहीं करेंगे, और उस वजह से लगातार जो घाटे में ये कंपनियां सारी जाती रह रही है, तब तक ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। कांग्रेस और बीजेपी एक वो आपस में जुमला है कि वो तू मुझे खुजा मैं तुझे खुजाऊँ, और उसी के चलते ये सत्ता बदल बदल के आते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ इलाज करना चाहिए, जिन इंजीनियरों का इलाज करना चाहिए, जहाँ छींचत का इलाज करना चाहिए, जहाँ कड़े कदम उठाने चाहिए, ना पहले की कांग्रेस सरकार इसमें कुछ कर पाई, ना अभी की बीजेपी की सरकार ना कर पा रही है। फिलहाल सीधे से बात है, रियायत की बात है, इनायत की बात है, राजस्थान की बात है, और ये इनायत कब होगी केंद्र से इसकी बात है। ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे इसी को लेकर बात करेंगे। दर्शकों की राय है कि राजस्थान को भी पैकेज मिलना चाहिए, अब अगले दौर में इसी पर बात होगी, पैकेज मिले तो कैसे और उसे कैसे खर्च किया जाए। ब्रेक। जब बिहार को पैकेज मिल सकता है तो राजस्थान तो हर चीज़ में अपने में अग्रणी है, और राजस्थान तो वीरों की माटी है, वीरों का देश राज्य है, तो ऐसी स्थिति में तो राजस्थान को भी जरूरत भी है, और अभी सरकार केंद्र में बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की है, तो राजस्थान को तो 1.25 लाख करोड़ का ज़्यादा ही मिलना चाहिए ताकि यहाँ का डेवलपमेंट हो सके। केंद्र सरकार को राजस्थान के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज दें ताकि राजस्थान का विकास हो, और मोदी जी का जो मिशन था मेक इन इंडिया बनाने का, उसमें हम सफल हैं। दिल्ली सरकार